हेलो स्टूडेंट, आपका टॉपिक है अप्लाई लाइफ साइंस में पोलिट्री कीपिंग। पोलिट्री कीपिंग हमने कल आपको बताया था कि आप कैसे कर सकते हो पोलिट्री कीपिंग। पोलिट्री कीपिंग इसलिए की जाती है जो आप मुर्गी पालन का प्रबंध कैसे कैसे कर सकते हो, जो जिसके आधार मैंने 5 बताए थे आपको। सभी के लिए प्रबंध, मुर्गियों के लिए विशिष्ट प्रबंध, चूजों के लिए विशिष्ट प्रबंध और नर पक्षियों के लिए प्रबंध, अंडा देने वाली के लिए। जबकि मैंने सभी के लिए प्रबंध आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है मुर्गियों के लिए विशिष्ट प्रबंध। ये क्या होता है, जब आपके सामान्य जो आप घर अपने घरों में या उसमें यूज करते हो, मुर्गी पालन के टाइम यूज करते हो, तो क्या होता है आपके जो मुर्गे हैं उन्हें एक साथ रखा जाता है 3-4 मंथ के लिए। ये याद रखना चाहिए कि कितने मंथ के लिए रखना है आपको, 3-4 मंथ के लिए मुर्गा मुर्गियों को एक जगह रखा जाता है और उसको संतुलित भोजन दिया जाता है। जस्ट उसके बाद में उनको उनको अलग अलग कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है चूजों के लिए प्रबंध। जो चूजे होते हैं उनके लिए प्रबंध कैसे किया जाए, वो है पहले आपका ब्रूडर हाउस। ब्रूडर हाउस क्या होता है, यह एक चूजों का मकान होता है, ठीक है। यह एक लकड़ी का बना होता है, इसमें चूजे 3-4 माह तक इसमें ब्रूडर हाउस में चूजों को रखा जाता है ना। और जब इन चूजों को ब्रूडर हाउस में रखते हैं तो आपको उसको पहले उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रूडर गार्ड। ये भी ब्रूडर हाउस की तरह होता है, बट इसमें एक लकड़ी का हाउस बना होता है और उसके चारों तरफ जाली लगी होती है और ये 3 फीट लंबा ठीक है, ये 3 फीट लंबा होता है और 1 फीट ऊंचा होता है। 1 फीट क्या होता है, 1 फीट ऊंचा होता है, ठीक है। 1 फीट ऊंचा याद रखना। जो ब्रूडर गार्ड होता है वो आप लकड़ी का बनाते हो हाउस, और उसमें क्या होता है चारों तरफ जाली लगाते हैं। जो उसकी लंबाई होगी हाउस की वो 3 फीट लंबा होगा और 1 फीट ऊंचा होगा, जिसमें आप चूजे को अंदर रखते हो, ठीक है। ये चूजे का गृह पोषण होता है, जिसमें आप उसका पोषण करते हो। फिर होती है फास्ट मदर। फास्ट मदर में क्या होता है, एक चूजे के लिए एक बक्सा बनाया जाता है फास्ट मदर, है ना। उसमें इसका एक टेम्परेचर होता है 80 डिग्री फाइनेट का टेम्परेचर रखा जाता है और उसके चूजों को रखा जाता है। उसमें चूजों को रखने के लिए क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। और उसमें लालटेन होती है या लाइट होती है, वो 80 डिग्री फाइनेंट तक चलती है, जिससे कि जिसको कृत्रिम माता बोलते हैं। आप फास्ट मदर को कृत्रिम माता भी बोलते हो, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, चूजों को रखा जाता है। चूजों को रखने के लिए जो उसका बॉक्स होगा वो कितना होता है, 3 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा होता है। कितना होता है, 3 फीट लंबा और 2.5 फीट चौड़ा होता है, ठीक है। 2.5 फीट चौड़ा होता है ये बॉक्स होता है चौड़ा, और 3 फीट ऊंचा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक साथ चूजों को 100 चूजे रख सकते हो। क्या होगा, आपका जो आपका फास्टर मदर का जो आप बॉक्स बनाते हो वो आप 3 फीट लंबा 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा बनाते हो, है ना। उसमें क्या करते हो आप, उसमें आप 100 चूजों का पालन पोषण कर सकते हो। 100 जो आपके चूजे होते हैं उनका आप पालन पोषण कर सकते हो उस बॉक्स में, ठीक है ना, कृत्रिम माता में। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है, चूजों के लिए एक तापमान होता है, जैसे कि कृत्रिम में हुआ था, है ना, फास्टर मदर में। तो आपको उस टेम्परेचर का 80 डिग्री फाइनेंट पे आपको टेम्परेचर रखना है, ठीक है ना। वो कैसे रखोगे आप, लैंटर्न के द्वारा या लाइट के द्वारा आप इसको रख सकते हो। रखने से ये बेनिफिट है कि चूजों को एक टाइम तक उसको रखा जाता है, ठीक है ना। चूजों को कब कब रखा जाता है बताओ, एक तो आपको 5वें सप्ताह में चूजे को जब मौसम चेंज होता है, जब उसको आप छोड़ना आरंभ करते हो, है ना, 7वें हफ्ते में चूजे ठंडा मौसम में रखना पसंद करते हो, तो आप इसको टेम्परेचर को फास्टर मदर के तौर पर भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्या होगा, इसमें आप 80 डिग्री फाइनेंट टेम्परेचर रखोगे और उस पर आप लैंटर्न और या लाइट होती है आप उसका यूज करोगे, ठीक है ना। और जब आपका 7वां हफ्ता स्टार्ट हो जाए चूजों का, तो आप क्या करते हो उसमें गर्मी में से घूमने के लिए छोड़ते हो, अभ्यास करते हो, और ठंड जब ठंड
का टाइम जब मौसम ठंड का होता है तो वो आप ऐसे ही इसको करते हैं। पांचवें हफ्ते में इसको आरंभ करते हो चलना और सातवें हफ्ते में आप उसको ठंड का अनुभव कराते हो। फिर है चूजों को खिलाना। चूजों को खिलाना क्या होता है, आप जब चूजा 36 घंटे का हो जाता है आप उसको फीडिंग कराते हो। फीडिंग कराने के लिए आप क्या करते हो, तीन दिन तक आप उसके बहुत बारीक पेपर पे मकई का दाना गीला करके, है ना, नम करके उसको खिलाते हैं। वो इसलिए खिलाते हैं नम करके बच्चों, कि क्या होता है इसमें कि चूजे के गले में अटकने का डर रहता है, जिससे चूजे के मरने के वो चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जो फीडिंग कराते हो उसको नम करके और उस पर खिलानी चाहिए कागज पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर पक्षियों के लिए प्रबंध। नर पक्षियों के लिए प्रबंध क्या होता है, जब आप मुर्गियों को एक साथ हाउस में रखते हो, है ना, जब उसका प्रबंध करते हो तो क्या करते हो आप, तो मुर्गियों को जब प्रबंध करते हो तो उन्हें इकट्ठा रखते हो, जब कुछ 4-5 हफ्ते बाद, ठीक है ना, आप उसको क्या करते हो, मुर्गियों को अलग अलग करते हो, नर अलग और मादा अलग, ठीक है ना। तो आप उस नर पक्षियों के प्रबंध में जब करोगे तो आप 10 मुर्गियों में से, है ना, 10 मुर्गियों के लिए एक अच्छा मुर्गा अलग निकालते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या क्या होता है कि नर पक्षियों के लिए अलग प्रबंध किया जाते हैं। जो अदर नर है जिनकी नस्ल बहुत लो किस्म की है उनको अलग निकालते हैं, जो जिसकी नस्ल अच्छी होती है उन मुर्गे को अलग निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रबंध। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसके लिए भी आप प्रबंध यूज करोगे। ये आपका 5th है पॉइंट। उसमें क्या होता है, आप चूजे को जब 3-4 माह हो जाए तब मादा चूजे नर चूजे से अलग कर दिया जाता है। जब चूजा 3-4 माह का हो जाता है तो नर जो चूजे होते हैं और मादा जो चूजे होते हैं उनको डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है ना। और ये मुर्गियों के लिए प्रबंध होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है लैंग बक्सा। एक बक्सा होता है वुड टाइप का, वो लेंगिंग बक्सा होता है ना, ये इस बक्से में आप 4 या 5 मुर्गियों को आराम से रख सकते हो, ठीक है ना। ये जो इसकी लंबाई होगी वो 2.5 फीट तक, चौड़ाई इसकी 1.5 फीट होती है। जो इस बक्से की लंबाई होती है, नेक्स्ट बक्सा होता है इस टाइप का बक्सा होता है, इसकी 2.5 फीट लंबाई और 1.5 फीट चौड़ाई होती है, जिसमें आप 5-6 मुर्गियों को आसानी से रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है परचेज। जो आपका परचेज होता है वो कैसा होता है, मुर्गियों के जो मुर्गियों का आप हाउस बनाते हो, है ना, जो इसकी अंदर की वॉल होती है वो एक फीट की दूरी, है ना, दूरी पर परचेज लगाते हो, है ना, परचेज लगाना चाहिए। जो ये क्या होता है, लंबी लकड़ी के अकॉर्डिंग, एक लंबी लकड़ी होती है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों का पाना होता है ना, इस टाइप का परचेज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये बांस का या आप वुड का भी बना सकते हो। ये जमीन से 1 फीट की ऊंचाई पर होता है, है ना, जिसमें आप सात इंच स्थान तथा छोटी मुर्गियों के लिए 6 इंच का स्थान होता है। जो मुर्गी होती है बड़ी वाली आप उसके 7 इंच का स्थान रखोगे, बट आपकी जो छोटी मुर्गी होगी उसके लिए 6 इंच का स्थान रखोगे। परचेज जो होता है एक पालने टाइप का होता है ना, जो जिसमें आप 5-7 ये 1 मीटर की दूरी पे है, जो मुर्गी की हाउस बनाते हो उसकी 1 मीटर की दूरी पर रख बनाया जाता है। और उसमें बड़ी मुर्गी को आप 7 इंच और छोटी मुर्गी को 6 इंच की दूरी पर रखते हो, ये एक वुड की तरह का होता है, ठीक है ना बच्चों। आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मुर्गियों के प्रबंध के लिए विधि बताई जाएंगी, आप कैसे इसका यूज कर सकते हो।